अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शमशाद अहमद है। यूके का वैलिड वीज़े तो सर्बिया एंट्री ली सी, तो हुण मैं सर्बिया तो यूके आ चुकिया वा। कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मैं बड़े अच्छे तरीके से दे नाल जिहड़ा ना मैं पहुँच गया वा जी लंदन। इस टाइम मैं लंदन आ। मैं 3 तारीख नूं मैं ट्रैवल किया, 3 तारीख तो सर्बिया तो ट्रैवल किया सी। मेरा ट्रैवल मुकम्मल हो चुका जी। अज आखिरी डे है मेरा, मैं वापस पाकिस्तान पहुँच रहा जी। यूके वैलिड वीज़े तो एंट्री ली इसी सर्बिया की, और इस वक्त मैं 5 दिन यूके रहा हूँ। मेरा आज 9 तारीख में वीज़ा ख़त्म हो रहा सी, जिस वजह नाल मैं वापस आ रहा जी। सारी सर्विस जी माहिल भाई अहमद ने प्रोवाइड की है, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, सानू बहुत अच्छी सर्विस मुहैया की है, जिहदी वजह नाल मैं लंदन भी देखा। सर्बिया भी बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत मज़ा आया जी। और लंदन के नज़ारे जिहड़े ने तुहानू आपको पता होने चाहिए ने। कई वैलिड वीज़े के उत्ते मैं 2 कंट्री विजिट कर चुकिया वां, समझ लो कि यूरोपियन कंट्री सर्बिया और इंग्लैंड। इंशाअल्लाह इस तो बाद मैं कैनेडा का वीज़ा अप्लाई करांगा। माहिल भाई अहमद से उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस मुहैया की है सानू जी, साढ़े नाल अटैच रहन। जो भी मैं कॉल की उन्होंने उस वक्त रिस्पॉन्स दिता, मैं जो क्या उन्होंने उस वक्त जरा मेरे नाल कनैक्ट रहन। उन्होंने बहुत शुक्रिया जनाब, जिन्हें सानू यूके दिखा दिता है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है माहिल अहमद। हमारी रजिस्टर्ड ट्रैवल कंपनी है वे टू ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। आज की वीडियो बनाने का एक ख़ास मकसद है, पाकिस्तान क्योंकि स्टिल यूके की रेड लिस्ट में शामिल है, जिस वजह से बहुत सारे जो वीज़ा एप्लीकेंट्स हैं वो या तो अप्लाई नहीं कर रहे, और दूसरा वो लोग जिनके वीज़ाज़ ऑलरेडी लग चुके हैं वो एक्सपायर होने के करीब हैं, और वो इस वजह से ट्रैवल नहीं कर पाते क्योंकि यूके में जो क्वारंटीन के एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो पाकिस्तानी रुपीज़ में से कन्वर्ट करें तो वो जो अपडेटेड रेट्स हैं वो तकरीबन ये 5,10,000 के करीब चार्जेस बनते हैं। और दूसरा कि विज़िट वीज़ा के ऊपर आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते, इतने चार्जेस पे करने के बावजूद भी विज़िट वीज़ा के ऊपर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है या स्पाउस वीज़ा है या कोई परमानेंट टाइप का वीज़ा है, देन आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। और अगर आपके पास स्टूडेंट विज़िटर वीज़ा है तो देन आप बिल्कुल ट्रैवल कर ही नहीं सकते। तो इसका एक ये हल है कि आप किसी एम्बर कंट्री में पहले चले जाएं, एम्बर कंट्रीज़ में 10 डेज़ गुजारें, और 10 डेज़ गुजारने के बाद एहतियातन आप 11 डेज़ करें। 11 डेज़ स्पेंड करने के बाद जिस वक्त आप यूके में एंट्री करेंगे तो वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे पहले जो टर्की है वो यूके के एम्बर लिस्ट में शामिल होता था, तो उस वक्त हमारे कुछ क्लाइंट्स ने इस तरह से ट्रैवल किया कि उन्होंने पहले टर्की में 11 डेज़ का स्टे किया और उसके बाद वो यूके चले गए। तो लेकिन बाद में जब टर्की भी यूके की रेड लिस्ट में शामिल हो गया तो बाकी किसी कंट्रीज़ की जो ऑप्शंस थी वो काफ़ी कम हो गई। कतर को भी उन्होंने शामिल कर दिया, यूएई को भी इधर रेड लिस्ट में शामिल कर दिया, तो जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। तो रिसेंटली हमने अपने एक क्लाइंट को भिजवाया था सर्बिया। सर्बिया एक यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पर इन्होंने 11 डेज़ स्टे किया। 3 सितंबर इनकी टिकट थी सर्बिया से लंदन के लिए, और इनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा था 9 सितंबर को। तो इनके ये जो 5-6 दिन बनते थे तो इसके लिए इन्होंने वहाँ पर यूके में एंट्री की। एंट्री करने के बाद 9 तारीख को इनकी वापसी की फ़्लाइट थी पाकिस्तान के लिए, जो कि आपने वीडियो में मुलाजा की होगी। विज़िटर वीज़ाज़ के अलावा भी जो लोग यूके में एंटर हो सकते हैं क्वारंटीन करके, मैं तो उन लोगों को भी एडवाइस करूँगा कि वो बजाय वहाँ पर क्वारंटीन करने के किसी एम्बर कंट्री से होकर चले जाएंगे तो उनके एक तो वो उस कंट्री में टूरिज़म करेंगे, उस कंट्री को एंजॉय करेंगे, क्योंकि क्वारंटीन के दौरान तो आप बाउंड रहते हैं उसी होटल के अंदर, तो और इसके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपके पास जो भी वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है, स्पाउस वीज़ा है या कोई परमानेंट कोई वीज़ा है, तो आप चले जाएं किसी भी अम्बर कंट्री से, वहाँ पर 11 डेज स्पेंड करें। वैसे 10 डेज़ है, एहतियातन मैंने एक दिन ज़्यादा किया है। 11 डेज़ के बाद जिस वक्त आप यूके में एंट्री करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो जो लिस्ट है कंट्रीज़ की, एम्बर कंट्रीज़ की लिस्ट, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है, इसमें अगर आप वीज़ा सर्विसेज वाले मेन्यू पे जाएंगे तो नीचे आपको 4 कंट्रीज़ नज़र आएंगे जिन्हें हम डील करते हैं, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, यूरोप और टर्की। तो अगर आप यूनाइटेड किंगडम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये यूके का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के ऊपर आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगी। अच्छा, ये हैं हमारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अगर आप यूके वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। आप हमें कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज रिकॉर्ड करवाते हैं, तो वो जो सारे क्वेश्चंस आप पूछते हैं वो बेसिकली हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पर। अगर आप इन्हें विज़िट करेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा। लाइक हाउ द वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस बिगिंस, ये अक्सर पूछा जाता है हमसे, और हमारे फ़ाइल चार्जेस के बारे में पूछा जाता है, और फ़ाइल चार्जेस एडवांस में पे करेंगे या कुछ पार्शली एडवांस पे पे करेंगे, और वीज़ा के चांसेस कितने हैं अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं। हमारी लोकेशन जो है वो फैसलाबाद में हमारा मेन ऑफिस है, तो बाकी सिटीज़ में भी हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, लेकिन बेसिकली मैं ही उन्हें डील करता हूँ। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, इस वजह से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फैसलाबाद से अपनी फ़ाइल प्रोसेस करवाएं या किसी भी सिटी से हमारी जो हैं वो ब्रांचेज़, उनसे आप इसे प्रोसेस करवाते हैं, तो इसको अल्टीमेटली मैंने ही देखना होता है। और इसके बाद है कि जी व्हाट इज़ योर वीज़ा अप्रूवल रेशो, हमारी जो अप्रूवल रेशो है वो कैसी है। और ये आजकल बहुत पूछा जाता है, कैन वी अप्लाई फॉर द यूके वीज़ा ड्यूरिंग कोविड-19। तो ये देखिए मैंने इसका सारे आंसर्स लिखे हुए हैं कि 27 जुलाई 2020 के बाद से वीज़ा जो है वो कभी भी डिसकंटिन्यू हुआ, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आजकल वहाँ पर इवन के पाकिस्तान यूके की रेड लिस्ट में भी शामिल है, दैन भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट मंथ भी अगस्त में हमारे 2 वीज़ाज़ अप्रूव हुए हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वीज़ाज़ अप्रूव हो रहे हैं। ओनली प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान यूके की रेड लिस्ट में है, उसका भी हाल मैंने आपको बताया है कि आप 11 डेज़ किसी एम्बर कंट्रीज़ में से किसी की कंट्री में स्पेंड करें और उसके बाद आप यूके जा सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए अगला ही क्वेश्चन मैंने वो भी लिखा हुआ है, जो जो क्वेश्चन आप हमसे पूछना चाहते होते हैं वो मैंने पहले इसमें लिखे हुए हैं कि पाकिस्तान इज़ करंटली इन रेड लिस्ट ऑफ द यूके, कैन वी ट्रेवल आफ्टर गेटिंग वीज़ा। तो इसका भी मैंने आपको बता दिया है। क्वारंटीन के चार्जेस कितने हैं, ये देखिए चार्जेस जो थे पहले 11 अगस्त से पहले जो चार्जेस इतने थे 1750 पाउंड्स थे, लेकिन 12 अगस्त से ये बढ़ के 2285 पाउंड्स हो गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ में ये 5 लाख से भी ज़्यादा बन जाते हैं। इसी तरह से जो ये हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, इसके अलावा यहाँ पर ये देखें एक लिंक है, ये वो कंट्रीज़ हैं जिनमें से आप जहाँ पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ से आप स्टे करके 11 डेज़ का देन आप जा सकते हैं इधर यूके में। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो इसको आप जब तफसील से चेक करेंगे, डिटेल में चेक करेंगे, तो इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं। टोटल ये 34 कंट्रीज़ हैं, लेकिन इनमें से जो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर हैं वो तकरीबन 22 के करीब हैं, तो जो कि काफ़ी वैरायटी ऑप्शन है आपके पास, इसमें से आप कोई भी चूज़ कर लें। आप मैक्सिको जा सकते हैं, ठीक है। ये पूरी एक लिस्ट है, टाइम वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप इसको ख़ुद से विज़िट करें। जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं उसको मेक श्योर कर लें कि आया वो कंट्री यूके की रेड लिस्ट में तो शामिल नहीं है, और उसके बाद आप उसकी ये भी मेक श्योर करें कि आया उस कंट्री ने पाकिस्तान से अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो उसको कोई पाबंदी तो नहीं है, आया कि वहाँ पर आपको जाकर क्वारंटीन तो नहीं करना पड़ेगा। तो जो सर्बिया है, सर्बिया के बारे में आज ही हमारा जो एक क्लाइंट है जो वापस आया, जिसकी आपने वीडियो देखी है, इसके बारे में तो 100% श्योर है ना कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से सर्बिया जाते हैं तो ना तो आपको वहाँ पर जाकर क्वारंटीन करना पड़ेगा, अगर इंडियन कोई वहाँ पर जाता है तो उन्हें वहाँ पर क्वारंटीन करना पड़ता है। पाकिस्तान से अगर आप जाते हैं तो आपको क्वारंटीन करना नहीं पड़ेगा। तो ये है जी सर्बिया। सर्बिया में आप देखें कि ऑल नेशनैलिटीज़, ये इस चीज़ को आपने गौर करना है कि ऑल नेशनैलिटीज़, अगर कोई नेशनैलिटी इन्होंने अलाउ ना करनी होती तो फिर वो उसको यहाँ पर मेंशन करते। परमिटेड वीज़ाज़ ऑल वैलिड यूज्ड अनयूज्ड, चाहे आपने यूके एंट्री कर ली है पहले या नहीं कि आप यूके के वीज़ा के ऊपर वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और ये 90 डेज़ का स्टे होगा। और इसके बाद जो बाकी कंट्रीज़ हैं आप उन्हें भी चेक करें। टोटल ये 34 के करीब हैं। जो भी आपको सूट करती है वहाँ पर जाएं, जिससे ये होगा कि एक तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में इजाफा होगा और दूसरा आपके एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस भी कम होंगे। और आप तीसरा कि आप किसी होटल में क्वारंटीन के लिए आपको बाउंड नहीं होना पड़ेगा, आप उस कंट्री को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। ये जो लिंक है आप इसको डायरेक्टली भी इस लिंक पर आ सकते हैं। अगर आप मेन पेज के थ्रू नहीं आना चाहते तो इस लिंक को आप नोट कर लें, डायरेक्टली आप यहाँ पर आ सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें और साथ में मौजूद इस बेल के आइकन को प्रेस करेंगे तो ये ऑल की ऑप्शन आएगी। इस ऑल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो देन जो भी हमारी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।